नमस्कार दोस्तों, मैं राम सहाय, आप देख रहे हैं राम आर्ट स्टूडियो। तो आज मैं अपने ब्रशों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। जो मुझसे भी अच्छे पेंटर हैं उनको तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो सीख रहे हैं और ब्रश के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि उनको इसका ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ उपयोग करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा ब्रश है, देख सकते हैं, ये इससे हमें पोताई करते हैं। जब ये ऑयल पेंट का काम करना होता है तब इस ब्रश का उपयोग करते हैं, या कि फिर जब दीवार में अपन को कलर करना होता है, अपने घर को पोतना होता है, तब इसका उपयोग करते हैं। तो ये तो रही बड़े वाले ब्रश की, इसका ज़्यादा उपयोग अपन को पेंटिंग में बस सिर्फ पोतने के लिए काम करते हैं। छोटा मोटा अगर बोर्ड हुआ तो हम इससे भी पोत सकते हैं, और इससे लिखने का काम अपन को वाटर कलर में करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा ब्रश है हमारा राइटिंग वाला, और ये ऑयल पेंट में ही काम करते हैं, सॉरी वाटर कलर में। ऑयल पेंट में इसको नहीं चला सकते हैं, ये दूसरा वाला है, ये चिकना वाला नहीं है, चिकने वालों वाला, देख सकते हैं। ये बहुत पुराना हो चुका है, समथिंग 2 साल का ये ब्रश हो चुका है, अभी भी मेरा चल रहा है। और यहाँ पे कलर देख सकते हैं, यहाँ भर चुका है, लेकिन अभी मेरा जो मेन पॉइंट है राइटिंग वाला, ये अभी सही है, इसलिए मैं चला रहा हूँ। और इस ब्रश का चलाने का जो तरीका है, तो ज़्यादातर इससे मैं पूरी लाइनें, जो लाइनें बनाता हूँ, डिजाइनें बनाता हूँ, डिजाइन के बाद जो लाइनें बनाता हूँ, तो इसी ब्रश से बनाता हूँ। क्योंकि ये ब्रश बहुत अच्छा बन चुका है, कलर में मथ चुका है, तो लाइन जो है तो क्लियर आती है। तो जब हम लाइन बनाना होता है तो ऐसे खड़े ब्रश से ऐसे लाइन बनाते हैं, बिल्कुल खड़े ब्रश से, इस तरह से, ठीक। और बाकी राइटिंग के लिए तो अपन वही हिसाब से करते हैं जो मैं हमेशा करता हूँ, आप देख चुके हैं। और ये ब्रश हमारा, ये राइटिंग वाला ब्रश है, ये 20 नंबर का ब्रश है, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा मीठा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 20 नंबर का ब्रश है। इसमें, इस ब्रश में ऑयल पेंट और वाटर कलर दोनों से हम काम कर सकते हैं, लेकिन जब अपन वाटर कलर काम कर देते हैं कई बार, तो फिर ये वो ऑयल पेंट में करने लायक नहीं बचता है। जैसे ये ब्रश है, अब हम इससे ऑयल पेंट में काम करेंगे तो सफाई नहीं आ पाएगी, ठीक। ये हो गया हमारा 20 नंबर का ब्रश। उसके बाद ये आ गया 16 नंबर, ये इससे थोड़ी छोटा। ये राइटिंग फॉन्ट जो अक्षर होते हैं छोटे बड़े, किस हिसाब से हमको बनाने हैं, कितना स्पेस है, कैसे लिखेंगे, वो तो उसके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, या कि फिर जैसे दीवार में हमको लिखना है, डिजाइन के अंदर लिखना है, तो वही डिपेंड करता है कि हम इस ब्रश से लिखें कि इस ब्रश से लिखें, ठीक। और ये जो है तो चिकने वाले बाल नहीं है, जो अभी मैं दिखाया हूँ, ये चिकने बालों वाले ब्रश नहीं है, ये दोनों मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। और सेम ये भी है, तो इस, ये 14 नंबर थोड़ा छोटा है शायद, हाँ ये 14 नंबर ब्रश है, इससे भी हम राइटिंग करते हैं। अब हम इसको ऑयल पेंट में उपयोग न कर पाएंगे, करेंगे लेकिन हमको टाइम लगेगा उसको क्लियर करने में, राइटिंग को क्लियर करने में टाइम लगेगा। और अगर हम एक बार में करना चाहें तो नहीं कर सकते, इसको हम कलर से ही, कलर में ही ज़्यादातर उपयोग कर सकते हैं। और फिर आते हैं ये ब्रश, ये मैं भी इससे देख लेता हूँ कितना है, ये 12 नंबर का ब्रश है। ये ब्रश जो अपन अभी उपयोग नहीं किए हैं, देख सकते हैं, ये 12 नंबर का ब्रश है, ये भी 12 नंबर का ब्रश है, और ये भी 12 नंबर का ब्रश है। ये तीनों ब्रश 12 नंबर के हैं, और ये चिकने बालों वाला है, देख सकते हैं। इसको हम वाटर कलर में उपयोग कर सकते हैं और ऑयल पेंट में भी उपयोग कर सकते हैं। इसको वाटर कलर में उपयोग करने के बाद भी ऑयल पेंट में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा कितने नंबर, 12 नंबर का ब्रश है, और ये राइटिंग ब्रश है। और ये जो है ये छोटा ब्रश है, ये कितना नंबर है, इसमें कलर लग चुका है, दिख नहीं रहा, समथिंग 4 नंबर होगा, 7 नंबर ब्रश, 7 या 8 होगा, यहाँ पे कलर लग गया, दिख नहीं रहा है। ये हमारा राइटिंग ब्रश है, छोटे अक्षर लिखने के लिए हम इसी से बोर्ड भी लिखते हैं, इसी से जब पेंटिंग करते हैं तो जो मोर की आउटलाइन ब्लैक कलर से बनाते हैं, तो वो यही ब्रश है। और ये वही ब्रश है, तो ये अभी नया है, ये हमारा पुराना, जब तक ये चल रहा है तो चल रहा, थोड़ा टाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं, दबाने में बिल्कुल हल्का, जो लास्ट का पॉइंट है वही बस मुड़ रहा है, बाकी एकदम खड़ा है,
फिर भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं, कलर में भी करेंगे और ऑयल पेंट में भी करेंगे, वाटर कलर में भी करेंगे। और ये छोटा वाला ब्रश, सबसे छोटा, छोटी राइटिंग, और ये देख सकते हैं ये तीनों ब्रश एक ही हैं, और ये तीनों ब्रश एक ही हैं, और ये चार ब्रश एक ही हैं। इस तरह से अब ये देख सकते हैं नया। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये वाला ब्रश जो है, तो इनमें मैं इनका है, ये नया है, ये पुराने हो चुके हैं। और जो ये वाला है और ये वाले हैं, ये एक जैसे हैं, सिर्फ बाल के कलर का फ़र्क है, बाकी बाल एक ही तरह के हैं। ये प्लास्टिक बाल होते हैं, ये गिलहरी के बाल नहीं हैं। गिलहरी के बाल जो होता है, जो लंबे लंबे बालों का ब्रश आता है, थोड़ा लंबा रहता है, वो सिर्फ ऑयल पेंट का काम कर सकते हैं उससे, सिर्फ ऑयल पेंट का, वो भी राइटिंग का। और इनमें हम दोनों में उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर यही पसंद करता हूँ, तो लंबे बालों वाले मैं उपयोग नहीं करता हूँ। आप करते हैं, अच्छी बात है आप करें। तो ये ब्रश देख सकते हैं, इस ब्रश की जो ये बाल हैं थोड़ा टाइट है, देख सकते हैं ये थोड़ा टाइट है, और ये प्लास्टिक बाल भी नहीं है, पता नहीं क्या है, थोड़ा टाइट है ये, ठीक। और जो ये है नया, ये एकदम बिल्कुल मुलायम है, ऐसा लगता है जैसे सेविंग करने वाला जो आता है, जस्ट उसी तरह से है, ये देख सकते हैं इतना कोमल है। तो दोस्तों इस तरह से ब्रश मैं उपयोग करता हूँ, और आपको मैंने ये जानकारी दी है, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।